हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और जो हम मेनली हम डील करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट मेडिसिन के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। अब यू अंडरस्टैंड कि बायोटेक्नोलॉजी के वैसे बहुत सारे जगह पे एप्लीकेशन हैं। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है किस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो फार्मास्यूटिकल थेरेपटिक्स डायग्नोस्टिक्स के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड बायोरेमिडेशन वेस्ट ट्रीटमेंट एनर्जी प्रोडक्शन इन सब जगह पे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से हमें हेल्पफुल रहती है। तो बेसिकली तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के जहाँ पर ये काम करती है। सबसे पहले है कि ये बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम प्रोवाइड करती है। सेकेंडली इसका रोल रहता है टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। और थर्ड, जो भी कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस को यूज़ कर उनको कैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से प्योरीफाई करना, चाहे वो फिर प्रोटीन हो या कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। तो नाउ आई विल मूव ऑन टू द एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इन मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। जो हमें पता है, देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका बहुत बड़ा रोल है इन प्रोड्यूसिंग सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स। और ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जो ये थेरेप्टिक्स हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें किस जो भी इस टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस होने वाले हैं उनमें कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को एक्साइट नहीं करते, जो कि दूसरे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं नॉन ह्यूमन सोर्सेज से जो लिए गए हैं वो किसी भी तरह का रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं तो ये बहुत सेफ ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved, और इनमें से जो 12 इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो तो इंडिया में भी मार्केट हो रहे हैं। So we will talk about genetically engineered insulin, gene therapy and molecular diagnosis specifically. And to start with genetically engineered insulin. अब इंसुलिन आपको पता है क्या होता है, डायबिटीज़ में को मैनेज करने के लिए एक हार्मोन है बेसिकली जो कि हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ केसेस में, पैथोलॉजिकल केसेस में ये जो इंसुलिन बनता है दैट इज़ नॉट इन सफिशियंट अमाउंट टू बी एबल टू यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट्स देयर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। तो उस केसेस के अंदर ये बाहर से लेना पड़ता है। अब अगर इतना तो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड इंसुलिन नहीं होता कि वो काम कर सके, तो अगर वो दूसरे सोर्सेज से ले रहे हैं जैसे कि नॉन ह्यूमन सोर्सेज से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैटल्स एंड पिग्स, तो ये कई केसेस के अंदर एलर्जी कॉज कर जाता है या दूसरे तरह के भी रिएक्शन कॉज कर जाता है। द बॉडी कैन नॉट एक्चुअली this insulin produced from the outside sources cannot accept the foreign protein. सबसे पहले मैं बात करूँगी इंसुलिन यूज टू मैनेज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। डायबिटीज़ आपको पता है जब शुगर का अमाउंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो पैंक्रियाज हैं एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, और वो इंसुलिन उसको कॉम्बैट करता है, उसको सेल्स में ले जाता है, ब्लड में से उस शुगर को कम करता है। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जब ये नहीं हो पाता तो उस टाइम पे आउटसाइड सोर्सेज से इंसुलिन को लेना पड़ता है, जैसे कि इट इज़ टेकन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल एंड पिग्स। मगर कई बार ये चीज़ जो है उस जो फॉरेन इंसुलिन है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उससे रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए तो इट इज़ attempted to produce human insulin using bacteria, और success story ये है कि ये ऐसा हो जाता है और वो body accept भी कर लेती है। Insulin normally consists of two short polypeptide chains, आप देखते तो A chain and here is B chain, और इन दोनों के बीच में disulfide bridges हैं, तो ये इसका molecule रहता है, structure रहता है। अब mammals में क्या होता है, it is synthesized as pro-hormone।
इट नीड्स प्रोसेसिंग बिफोर इट बिकम्स अ फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो ये एक प्रो इंसुलिन का मॉलिक्यूल जो दिखाया गया है, बेसिकली इसमें एक छोटा स्ट्रेच रहता है जिसको हम सी पेप्टाइड भी बोलते हैं, और ये ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड के साथ छोटा सा स्ट्रेच सी पेप्टाइड का है विच कीप्स इट अनफंक्शनल। तो अगर इसको मैच्योर करना है, इंसुलिन को फंक्शनल करना है, तो ये सी पेप्टाइड जो है ये रिमूव होता है, उसके बाद ही इंसुलिन मैच्योर हो पाता है। In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences. तो इन्होंने दो सीक्वेंस तैयार किए सिंथेटिकली, ए चेन और बी चेन जो है ह्यूमन इंसुलिन, उनसे कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे दो DNA sequences तैयार किए गए और उनको फिर E. coli के प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वहाँ वो मल्टीप्लाई करें और बहुत सारे इंसुलिन चेन्स जो हैं उनको सिंथेसाइज कर लें। फिर इनको जब ये ए और बी चेन अलग अलग बनी वहाँ पर, तो उनको निकाल कर उनको फिर कंबाइन किया गया यूज बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और जो स्ट्रक्चर फाइनली जो तैयार हुआ दैट वाज सेम एज ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू जीन थेरेपी। इट इज अ मेथड टू करेक्ट जीन डिफेक्ट डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली अगर हेरिडिटरी डिजीजेस हैं किसी को, तो इन हेरिडिटरी डिजीजेस को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हैं या जो चेंजेस हैं ये जीन के अंदर हैं और ये पर्सन कई बार लाइफ लॉन्ग ऐसे ही सफ़र करते रहते हैं। तो अगर जीन्स को पर्सन के सेल्स या टिश्यूज़ में इंसर्ट कर दिया जाए, और नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाए, हेल्दी जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाए, तो वो हेरिडिटरी डिजीज़ को ट्रीट करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपनसेट करते हैं फॉर नॉन फंक्शनल जीन। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी दैट वाज गिवन टू अ 4-year-old गर्ल विद एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है कि बेसिकली जो एंजाइम है ये इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब जो ये डेफिशिएंसी हो गई वहाँ, वो क्यों होती है? क्योंकि एक जो जीन है उसका डिलीशन हो जाता है विच इज़ एक्चुअली कोडिंग फॉर दिस एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो अब नॉर्मली ऐसे चिल्ड्रन के अंदर क्या किया जाता था, दे वर ट्रीटेड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जिनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती थी उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ट्रीट करते थे, या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीट करते थे जिसमें कि फंक्शनल एडीए उनको इंजेक्ट कर दिया जाता था। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही मेथड्स जो हैं दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, तो ये पूरी तरह से इसको ठीक नहीं करते हैं। तो जो ये जीन थेरेपी की हमने बात की, जो ये 4-year-old गर्ल में दी गई, इसमें लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन अ कल्चर, उनको कल्चर में ग्रो करते हैं, अ फंक्शनल सी डी एन ए इज देन एडेड, फंक्शनल सी डी एन ए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज एडेड इन टू द लिम्फोसाइट्स, ठीक है, देन दे आर रिटर्न टू द बैक टू द पेशेंट। देखो ये करके, उसको ट्रीट करके, वो जब एक बार करेक्टेड एडीए जीन हो गया, उसको एम्प्लीफाई किया गया और फिर उसको वापस इन्फ्यूज कर देते हैं पेशेंट के अंदर, राइट। तो इससे क्या होता है, जो टॉक्सिक लेवल ऑफ एडेनोसिन है और डीऑक्सीएडेनोसिन है वो कम हो जाता है और पेशेंट हेल्दी हो जाता है। पर अब ये कहे कि ये जो थेरेपी है इसको भी बार बार देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जो लिम्फोसाइट बाहर से जो ये जीन दिया गया और लिम्फोसाइट्स के अंदर डाल दिया गया, लेकिन लिम्फोसाइट सेल्स हैं, आपको पता है कि जो सेल्स हैं वो इमॉर्टल नहीं होते, दैट मीन्स दे डाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उनका नेचुरल प्रोसेस है। अब उस टाइम पर जब लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो गए तो वो जीन भी ख़त्म हो गया, सो दैट मीन्स इट हैज़ टू बी रिपीटेड, दिस काइंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन हैज़ टू बी रिपीटेड। लेकिन अगर एडीए जीन को बोन मैरो से लेकर डायरेक्टली सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो क्या होगा, वो उनकी जीनोम सिस्टम में आ जाएगा, इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मॉलिकुलर डायग्नोसिस। तो हम अभी जैसे बात कर रहे थे कि अगर लेटेस्ट स्टेज पे हमें कोई बात पता चलती है, अगर नॉर्मल सीरम या यूरिन टेस्ट जब होते हैं उस टाइम पे हमें कोई पैथोलॉजी पता चलती है, कोई डिजीज़ या कोई एनोमली जीन्स के अंदर पता चलती है, तो वो उस काफ़ी लेट हो चुका होता है, और इवन पैथोजन जो हैं उनका जो अमाउंट है, कंसनट्रेशन है, वो काफ़ी बढ़ चुका होता है,
तो उससे उसे ट्रीट कर पाना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर पीसीआर यूज़ कर कर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज़ कर कर उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाए बॉडी के अंदर, तो हम उसको पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए लिया, उसको टैग कर देते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। अब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो ये यहाँ पर हम बोल रहे हैं, इसको प्रोब कहते हैं। ये इट इज़ अलाउड टू हाइब्रिडाइज इन टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो जिस क्लोन के अंदर म्यूटेटेड जीन होगा विल नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंट्री टेरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि वो पता लगाया जा सकता है पीसीआर यूज करके कि कहाँ पर वो म्यूटेटेड जीन है, क्योंकि प्रोब जो हमने दिया था वो हमने बाहर से दिया था। तो वो नॉर्मल जो जीनोम सेटअप होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया था। लेकिन अंदर और वही जो है ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर नज़र आएगा, लेकिन जिसके सामने एक म्यूटेटेड जीन आ गया वो तो रीड ही नहीं कर पाएगा उसको। इस वजह से वो पता चल जाता है कि इस एरिया में दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट कैन बी डिटेक्टेड जो भी उसका प्रॉब्लम होता है। तो ये पीसीआर को यूज़ करके एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स, आपको पता है कि एड्स के अंदर जब इन्फेक्शन होता है एचआईवी का, और जब वो सिम्टम्स अपेयर होने शुरू होते हैं उसमें बहुत बड़ा एक टाइम लैग हो जाता है, कई बार तो वो महीने और साल का भी हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे वो प्रॉब्लम एग्रावेट होती जा रही है लेकिन अभी डिटेक्ट नहीं हुआ। तो ये पीसीआर हेल्प करता है इनिशियल स्टेजेस में ही एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए। सेम वे टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट्स, टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैन से पीसीआर एंड जितने भी हमारे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनकी हेल्प से। एलाइसा इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स। तो अगर वो उन्होंने एंटीजन्स को डिटेक्ट कर लिया है तो वो उनको पता लगा सकते हैं, या बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडीज का अमाउंट बनना शुरू हो जाता है अगेंस्ट सम पैथोजन, तो उस टाइम पे भी जो एलाइसा है तो बेसिकली या तो ये एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगा या फिर ये एंटीबॉडीज जब इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जैसे ही एंटीजन आएगा एंटीबॉडीज इंक्रीज होंगे तो उनको डिटेक्ट कर लेता है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो से जो है इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे इज ऑल्सो अ गुड प्लेस। सो दिस इज ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच इज बींग यूज टू हेल्प इन मेडिसिन।